दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी बानपुर में हूँ और बानपुर में चुनाव प्रचार जोरों पर है। हमारे साथ हैं जिला पंचायत सदस्य के जो उम्मीदवार हैं बानपुर से, सौरभ जी और इनकी पत्नी जो है पूजा जी, वो है चुनाव लड़ रही हैं, चुनावी मैदान में पढ़े लिखे प्रत्याशी इस बार मैदान में है और पढ़े लिखे प्रत्याशियों के साथ जनता भी जुड़ती हुई नजर आ रही है। आइए हम सौरभ जी से जानते हैं क्या तैयारियां, कितने गांव क्षेत्र हैं और कब से यहां पर चुनाव प्रचार में लगे हैं। सौरभ जी आपका स्वागत है। सौरभ जी कितने गांव क्षेत्र हैं आपके? कुल 19 ग्राम पंचायतें हैं बानपुर क्षेत्र में, जिला पंचायत। वोटिंग कितनी है? वोटिंग करीब 30,000 के आसपास है। 30,000 के आसपास। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं करीब एक महीने से लगभग सभी गाँवों में जा चुका हूँ, सभी वोटर्स से एक एक बार पर्सनली मिल लिया हूं, उनकी समस्याएं नोट कर लिया हूं, लगभग हर गांव की समस्या हमको याद हो गई है। क्या प्रमुख समस्याएं क्या सामने आ रही हैं? गर्मियों के महीने में यहां पानी की बहुत समस्या होती है, पीने का पानी लोगों को नहीं मिलता है, तो लोगों को बहुत दूर दूर तक पैदल यात्राएं करनी पड़ती है पानी के लिए। और कई गाँव, कई राजस्व ग्रामों में तो सड़कें ही नहीं है, बरसात में तो लोग अपने घर से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। बड़ी समस्या है। और शिक्षा से जुड़ी हुई समस्या ये है कि कई गांवों में स्कूल नहीं है और कई गांवों में जाने के लिए रिपटे हैं। बरसात में जब रिपटा ऊपर से चलता है, पानी ऊपर से बहता है, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोई तबीयत बिगड़ जाती है, किसी की तो अस्पताल नहीं। जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 बानपुर से सदस्य पद हेतु डॉक्टर पूजा सौरभ यादव को चुनाव चिन्ह मत पत्र क्रमांक 10 गमला के सामने मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। नहीं जा पाते हैं तो सभी मुद्दों को मैं नोट कर लिया हूँ, चुनाव जीतने के बाद एक एक करके उसको मैं हल करता जाऊँगा। आप तो शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करते हैं और ललितपुर में शिक्षा से जुड़ी हुई उसका बहुत ही काम किया है। उस समय आपने कॉलेज खोला जब कॉलेज थी नहीं ललितपुर में प्राइवेट, तो एकाएक आप चुनावी मैदान में अपनी वाइफ के साथ आ गए। तो जब मैंने देखा है यहाँ के गाँव की समस्याओं को देखा और सुना, तो मैंने काफ़ी प्रयास किया हल करने के, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हमको राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ा जिससे वो समस्याएं हल करूं, क्योंकि जो यहाँ के और भी नेता थे, प्रत्याशी थे, अधिकांश अज्ञानी थे, उनको ज्ञान नहीं था काम कैसे कराया जाए। बानपुर में हम लोगों से चर्चा कर रहे थे, मिले हैं बानपुर की प्रमुख समस्या में, ये कहे कि इतना बड़ा गांव जहाँ 20,000 से तकरीबन पॉपुलेशन है, लेकिन शमशान घाटों की बड़ी समस्या है। आप जिस क्षेत्रों में घूम रहे होंगे गाँव पंचायत, वहाँ पर भी शमशान की बड़ी समस्या है और छोटी छोटी जो सड़कें हैं वो बनाई जा सकती थी, जिला पंचायत बनवा सकता था, लेकिन वहाँ काम नहीं हुआ। खासतौर से ऐसी जगह जहाँ किसानों के लिए खेती बाड़ी के लिए जाने वाला रास्ता होता है, वहाँ जिला पंचायत की सड़कें बना सकती थी, कच्ची सड़कें बना सकती, लेकिन नहीं हुआ, नहीं है काम। तो यहाँ के जो पूर्व के सदस्य थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, घर से बाहर ही नहीं निकले तो कहाँ से होगा। रही बात जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 बानपुर से सदस्य पद हेतु डॉक्टर पूजा सौरभ यादव को चुनाव चिन्ह मत पत्र क्रमांक 10 गमला के सामने मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। शमशान के हमारे पिताजी जब यहाँ चकबंदी अधिकारी थे बानपुर क्षेत्र में, तो उन्होंने बानपुर में जमीन आरक्षित किया हुआ है जी। अब वहाँ के नेता के ऊपर है कि बनवाए जी, बनवाए ही नहीं। अब हम बनेंगे तो बनवाएंगे सबसे पहले कोई शमशान, शमशान घाट और सड़कें जो जिला पंचायत क्षेत्र में आती है, जिला पंचायत कार्य क्षेत्र में जो आती है, उस पर काम जरूर, उस पर जरूर काम होगा, कराएंगे। पानी के लिए भी फोकस है, पानी के लिए हर घर अच्छा नल पहुंचाने का प्रयास किया। देखने में आया है कि सरकारी विद्यालय नहीं है यहाँ पे बानपुर में, हाई स्कूल, इंटर्स और डिग्री कॉलेज को लेके, इन सबको लेके आवाज़ उठाना पड़ेगी, आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, इसको लेके क्या तैयारी है? सरकारी विद्यालय जो यहाँ प्राइमरी स्कूल है उनको उच्चीकृत कराने का प्रयास किया जाएगा। और हमको यह जानकारी है क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं कि कैसे उच्चीकृत होंगे, कहाँ प्रयास करना है जी, है ना। यहाँ के जो नेता लिख के दे देंगे, फिर पता ही नहीं करेंगे कि वो गया कहाँ लेटर, तो हम लिख के देंगे और उसके पीछे पीछे जाएंगे वो कहाँ पे डंप पड़ा है। बच्चियों महिलाओं के लिए बहुत समस्या है, उनके लिए कुछ बच्चियों की शिक्षा को लेके, क्योंकि इंटीरियर है, इतने लोग सक्षम नहीं है कि उन्हें बड़े शहरों में भेज के पढ़ाते हैं, ललितपुर में भेज के पढ़ाएं तो रेंट ज़्यादा लगता है, तो फिर कैसे उनके लिए थोड़ा सा। जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 बानपुर से सदस्य पद हेतु डॉक्टर पूजा सौरभ यादव को चुनाव चिन्ह मत पत्र क्रमांक 10 गमला के सामने मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। बच्चियों की शिक्षा का रिस्पॉन्स मिल रहा है महिलाओं का, बच्चियों का, इन सब का? महिलाओं का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, महिलाएं कह रही हैं कि मैं उसी प्रत्याशी को वोट दूंगी जो हमारे पति को दारू नहीं पिलाएगा।
और पूजा जी जब प्रत्याशी हैं तो महिला होकर महिला का दर्द अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हाँ, अच्छी तरह समझ रहे हैं महिलाओं का दर्द। तो मैंने संकल्प लिया है न दारू न मांस न मदिरा। और आपकी वाइफ खुद पट्टी में पड़ी लिखी है, राष्ट्रपति पुरस्कार उन्हें मिला है, उन सबको लेकर राज्यसभा राज्यपाल से पुरस्कार, किस चीज़ के लिए पुरस्कार मिला? उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में MBA में पूरा विश्वविद्यालय टॉप किया था। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के जो सातों जिले हैं और कैंपस है उसमें उनका प्रथम स्थान आया था, इसलिए उनको राज्यपाल द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया था। अच्छा, वोटिंग को लेकर क्या तैयारियाँ? आपका चुनाव चिन्ह क्या आया सामने? हमारा चुनाव चिन्ह गमला है। गमला है और इतना पिंक कलर के पत्र उस पर, हाँ, गुलाबी कलर का मतपत्र है और इतना बढ़िया चिन्ह है हमारा कि नवरात्र शुरू हो गया है, प्रतिदिन महिलाएं गमले में जल चढ़ा रही हैं, तुलसी माता को जल चढ़ा रही हैं और उसी पे मुहर लगाना है। तो सौरभ जी थे हमारे, इन्होंने विकास को लेकर अपनी बात रखी है, क्षेत्र को विकास में किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे उस पर बात रखी है, लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी दिनों से लोगों के बीच में हैं और प्रत्याशी जो नए प्रत्याशी आ रहे हैं वो क्षेत्र में काफ़ी लेट हो गए, तो लोगों से मिलना, कितनी बार आप पहुँचे लोगों से, कितनी बार मिल चुके हैं? प्रत्येक गांव में 2-3 बार मैं हुआ हूँ, 2-3 बार हुआ है, अपना मतलब कि गांव को अपना घर बना लिया है और लोगों से मिल रहे हैं, लोग रिस्पांस भी दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही नए प्रत्याशी किसी के साथ हम फिर मिलेंगे, किसी नई सीट पर मिलेंगे और वहाँ पर भी उस प्रत्याशी के बारे में जानेंगे। जय हिंद। जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 बानपुर से सदस्य पद हेतु डॉक्टर पूजा सौरभ यादव को चुनाव चिन्ह मत पत्र क्रमांक 10 गमला के सामने मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए।